हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दिस चैनल इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर वन एक्सरसाइज 6.3 पॉइंट थ्री क्लास सिक्स एक्सप्रेस एज रूपी यूजिंग डेसीमल्स फर्स्ट पार्ट है 35 पैसे अब 35 पैसे को हमने रुपीज में चेंज करना है एंड आंसर लिखना है डेसीमल्स में सो so, हंड्रेड पैसे इज इक्वल टू होते हैं वन रुपी के ठीक है ये तो हमें पता ही है कि वन रुपी में हंड्रेड पैसे होते हैं सो देयर फोर वन पैसा इज इक्वल टू रुपी वन बाय हंड्रेड सो यूनिटरी मेथड का यूज कर लिया हमने हंड्रेड पैसे इज इक्वल टू रुपीज वन सो वन पैसा क्या होगा वन पैसा इज इक्वल टू वन बाय हंड्रेड रुपीज सो देर फोर थर्टी फाइव पैसे इज इक्वल टू रुपी वन बाय हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय थर्टी फाइव ठीक है तो यहाँ पर भी अगेन यूनिटरी मैथड का हमने नेक्स्ट स्टेप यूज कर लिया एक पैसे के लिए हमने निकाल लिए कितने रुपीज़ बनेंगे फिर हम निकाल लेंगे कि थर्टी फाइव पैसे होंगे तो कितने रुपीज़ बनेंगे सो so, रुपी वन बाय हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय थर्टी फाइव सो दिस इज इक्वल टू रुपी थर्टी फाइव बाय हंड्रेड अब हम यहाँ पे लगा देते हैं डेसिमल सो न्यूमिरेटर का नंबर लिख लिया हमने एज इट इज डिनोमिनेटर में अब वन के बाद कितने जीरोज़ हैं टू जीरोज़ तो यहाँ पर हम राइट right साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाते हुए टू डिजिट्स छोड़ के लेफ्ट हैंड साइड पे लगाएंगे डेसिमल। वन डिजिट टू डिजिट इसके लेफ्ट पे आ गया डेसिमल। सो दिस इज़ रुपीज़ पॉइंट थ्री फाइव और यू कैन राइट रुपी ज़ीरो पॉइंट थ्री फाइव बिकॉज पॉइंट थ्री फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट थ्री फाइव होल नंबर पार्ट में जब कुछ ना लिखा हो उसका क्या मतलब होता है कि होल नंबर पार्ट में है जीरो ओके सो पॉइंट थ्री फाइव इज इक्वल टू जीरो पॉइंट थ्री फाइव सो दिस इज द आंसर सेकेंड पार्ट है फोर पैसे सो वन पैसा इज इक्वल टू रूपी वन बाय हंड्रेड सो देर फोर फोर पैसे इज इक्वल टू रुपी वन बाय हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय फोर तो ये कितना बन गया रुपी फोर बाय हंड्रेड सो दिस इज इक्वल टू अब लगा दो यहाँ पर डेसिमल. सो फोर को लिख लो एज इट इज डिनोमिनेटर में वन के बाद हैं टू जीरोज सो राइट मोर साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आप डिजिट्स काउंट करना स्टार्ट करो वन डिजिट अब यहाँ पर सेकेंड डिजिट तो कोई है नहीं तो उसको हम फिल कर देंगे जीरो के साथ एंड उसके लेफ्ट में लगेगा डेसिमल, सो so, रुपी पॉइंट ज़ीरो फोर अब यहाँ होल नंबर पार्ट में कुछ नहीं है तो यहाँ पर आप साथ में लगा सकते हो जीरो सो so, रुपी ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फोर इज़ दी आंसर ठीक है पॉइंट ज़ीरो फोर इज इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फोर ठीक है थर्ड पार्ट है टू फोर्टी पैसे वन पैसा इज इक्वल टू रूपी वन बाय हंड्रेड सो देर फोर टू फोर्टी पैसे इज इक्वल टू रूपी वन बाय हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय टू फोर्टी सो दिस इज इक्वल टू रूपी टू फोर्टी डिवाइडेड बाय हंड्रेड सो अब हम लगा लेते हैं डेसिमल, सो न्यूमिनेटर का नंबर लिख लो एज इट इज़ अब डिनमिनेटर में वन के बाद है टू जीरो सो so, यहाँ 240 में राइट right साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ टू डिजिट्स काउंट करके उसके लेफ्ट में लगाओ डेसिमल वन डिजिट टू डिजिट इसके लेफ्ट में लग गया डेसिमल सो रूपी टू पॉइंट फोर ज़ीरो इज दी आंसर फोर्थ पार्ट है ट्वेल्व रुपीज ट्वेंटी फाइव पैसे सो दिस इज इक्वल टू ट्वेल्व रुपी प्लस रुपी ट्वेंटी फाइव बाई हंड्रेड बिकॉज़ वन पैसा इज इक्वल टू रुपी वन बाय हंड्रेड सो देर फोर ट्वेंटी फाइव पैसे इज इक्वल टू रुपी ट्वेंटी फाइव बाय हंड्रेड ठीक है वन बाय हंड्रेड को आप ट्वेंटी फाइव से मल्टीप्लाई कर दोगे सो दिस इज रुपीज ट्वेल्व प्लस अब रुपी ट्वेंटी फाइव बाय हंड्रेड को आप डेसीमल में चेंज कर लो सो दिस इज रूपी ट्वेंटी फाइव को लिख लो एज इट इज़ डिनोमिनेटर में वन के बाद है टू जीरोस तो यहाँ ट्वेंटी फाइव में राइट right से लेफ़्ट की तरफ टू डिजिट्स काउंट करके लेफ्ट पे लगाओगे आप डेसिमल वन डिजिट टू डिजिट इसके लेफ्ट में लग गया डेसिमल अब यहाँ पर होल नंबर पार्ट में कुछ नहीं लिखा मतलब होल नंबर पार्ट में है ज़ीरो सो रुपीज़ ट्वेल्व प्लस रुपीज़ ज़ीरो पॉइंट टू फाइव सो दिस इज़ इक्वल टू रुपीज़ 12.25, सो दिस इज़ द आंसर सो 12 एंड 0.25 so, so, को जब आप ऐड करोगे यू विल गेट 12.25. पॉइंट टू 12 सो so, के बाद आप डेसिमल लगा के साथ में लगा लो टू जीरोस क्योंकि 0.25 में डेसिमल के बाद है टू डिजिट ठीक है सो so, कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम 12 के साथ डेसिमल के बाद लगा लेते हैं जीरोस ओके okay? सो so, जब आपने डेसिमल नंबर्स को ऐड करना होता है तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आए ठीक है सो राइट हैंड साइड पे आ गए फ्रैक्शनल पार्ट्स डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे आ गए होल नंबर पार्ट्स अब इनको ऐड कर लो जीरो प्लस फाइव फाइव ज़ीरो प्लस टू टू डेसीमल्स के नीचे आ गया डेसीमल टू प्लस जीरो टू वन आ गया वन ठीक है क्योंकि यहां पर भी ज़ीरो है ठीक है सो वन प्लस जीरो वन सो so, इस तरह से आ गया रुपीज ट्वेल्व पॉइंट टू फाइव ओके फिफ्थ पार्ट है ट्वेंटी फोर रुपीज फाइव पैसे सो दिस इज इक्वल टू रुपीज़ ट्वेंटी फोर प्लस रुपीज़ फाइव बाय हंड्रेड बिकॉज वन पैसा इज इक्वल टू रुपी वन बाय हंड्रेड सो देर फोर फाइव पैसे इज इक्वल टू रुपी फाइव बाय हंड्रेड वन बाय हंड्रेड को फ़ाइव से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा फाइव बाय हंड्रेड सो दिस इज़ इक्वल टू रुपीज़ ट्वेंटी फोर प्लस रुपीज़ अब फाइव बाय हंड्रेड को डेसिमल में चेंज कर दो सो so, फाइव को लिख लो एज़ इट इज़ अब डिनोमिनेटर में यहाँ पर वन के साथ हैं टू ज़ीरोज़ सो यहाँ पर राइट right से हम टू डिजिट्स काउंट करके लेफ्ट में लगाएंगे डेसीमल सो वन डिजिट अब सेकेंड डिजिट यहाँ कोई नहीं है तो उसको फिल कर देंगे ज़ीरो के साथ एंड इसके लेफ्ट में लगेगा डेसीमल अब यहाँ पर होल नंबर पार्ट कोई नहीं है सो दैट मीन्स होल नंबर पार्ट क्या है ज़ीरो सो so, रुपीज़ ट्वेंटी फोर प्लस रुपीज़ ज़ीरो पॉइंट जीरो so, फाइव सो ये क्या बन जाएगा रुपीज़ ट्वेंटी फोर पॉइंट जीरो फाइव ठीक है सो दिस इज़ द आंसर सो ट्वेंटी फोर इसको डेसिमल फॉर्म में लिख लो 24.00 प्लस 0.05 अब 24 को जब मैंने डेसिमल फॉर्म में लिखा है तो मैंने पीछे दो ज़ीरोज़ इसलिए लगाए हैं क्योंकि 0.05 में डेसिमल के बाद है टू डिजिट ठीक है सो दैट एडिशन करने में हमें ईजी रहे सो जीरो प्लस फाइव फाइव हो गया जीरो प्लस जीरो जीरो डेसीमल्स के नीचे आ जाएगा डेसीमल यहां आ जाएगा फोर यहां पर आ जाएगा टू सो ये बन गया ट्वेंटी फोर पॉइंट जीरो फाइव थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सी यू नेक्स्ट टाइम टेक केयर बाय